सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल दृष्टिकोण में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग किसी भी सिंगर के फोटो पर महाकाल वाले टीका किस तरह से लगाते हैं। अक्सर आप लोग बहुत सारे बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं उनके फ़ोटो पर आप लोग देखे होंगे कि जैसे उनके एल्बम बम जो भी बोल्ब के आते हैं तो उनके फ़ोटो पर कुछ महाकाल का टीका लगा हुआ होता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से भी अपने फ़ोटो में उस तरह से महाकाल का टीका और अपने मोबाइल से लगाते हैं तो गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारे अलग अलग तरह के टीका भी प्रोवाइड कराने वाला हूं और उसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को अपने फ़ोटो में महाकाल वाले टीका को कैसे सेट करना है। इस वीडियो में गाइज मैं आप लोग को सारा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक खेसारी लाल का इमेज लिया हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कांवर गीत का ये और इनके पास ये जो टीका लगा हुआ है कुछ इस तरह से टीका है। लेकिन आप लोगों को जो मैं टीका लगाने वाले आज तरीके बताने वाला हूँ वो बहुत अलग ही होगा। ये तो आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर आना होगा। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद गाइज आप लोगों को बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपने फ़ोटो में महाकाल वाले टीका को लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आप लोग को दो जो फेवरेट एप्लीकेशन है, एक तो है पिक्सआर्ट और एक है पिक्सल लैब। दोनों एप्लीकेशन में से अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है तो आप लोग उसको ओपन कर लीजिए। मैं बताने वाला हूँ पिक्सआर्ट। मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने पिक्सआर्ट का कुछ इस तरह से लोगो दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने पिक्सआर्ट का कुछ इस तरह से बाय डिफॉल्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो ऑप्शन आपके सामने आएगा एडिट ए फोटो का, तो आप लोगों को ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप क्लिक करते ही बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को जो भी गैलरी में पीएनजी या इमेज रहेंगे वो सारे आ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक इमेज को पहले कर लेता हूँ सेलेक्ट, जिसमें महाकाल वाले टीका को लगाना है। तो गाइस मैं यहाँ पे एक पवन सिंह का इमेज लिया हूँ और इसी इमेज पर मैं महाकाल वाले टीका को अब लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे टीका को लगाने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आप लोगों को दिखने को मिलते होंगे राइट की कॉर्नर में। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता होगा ऐड फोटो का, नीचे जैसे जाएंगे आप लोग तो एक ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को कलर कुछ करता हूँ चेंज और कुछ इस तरह से इसका टूल है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे महाकाल वाले जो टीके हैं वो पहले दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत मेरे पास अलग अलग तरह के महाकाल वाले टीके हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले दिखाता हूँ। और ये सब कुछ आप लोगों को लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाकर इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पहले बहुत सारे जो अलग अलग तरह के टीके हैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ और जो भी चाहे आप लोग उसको एक बार लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे दो तीन कर लिया हूँ सेलेक्ट और ऐड करता हूँ। अब ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से भी टीके मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको एक बार एराइज कर लीजिए। एराइज करने आता नहीं है तो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि एराइज किस तरह से अपने वीडियो का या इमेज का बैकग्राउंड हटाते हैं, तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। अब ये मेरे पास रहा एक टीके और इसको आप लोग को लगाने के लिए यहाँ पे इस तरह से टीका को ऐड करना है और ऐड करने के बाद इसको आप लोग को रोटेट कर देना है जिस तरह से ये है। अब इसको आप लोग को शॉर्ट करना है और इस तरह से एडजस्ट करना है आप लोगों को अच्छी तरह से ताकि देखने में अच्छा लगे।
तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं टीका को लगा चुका हूँ। आप चलिए नेक्स्ट कोई और इमेज से लेता हूँ और उसके बाद उसमें भी बताता हूँ कि कैसे लगाना है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक और इमेज पर आप लोगों को महाकाल वाले टीका को लगाऊंगा। आप देखिए आप लोगों को जैसे इस वाली इमेज को आप लोग सिलेक्ट करके ऐड करेंगे और नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन आप लोगों को ऐड फोटो का मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और आप लोगों को यहाँ पर टीका को ले लेना है। जो मैं टीका दिया हूँ उसको आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे 21+ आप लोगों को टीके मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री रहेंगे, तो आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए एक बार। अब उसके बाद महाकाल वाले टीका को आप लोगों को किस तरह से लगाना है ये आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास दो ही आ चुके हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर इस तरह से टीके आते हैं तो इसको ट्रांसपेरेंट करना होगा, तो उसके लिए आप लोगों को नीचे जाना है, कैंची का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक पर्सनल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और ये आप लोगों को चंद ही सेकेंडों के अंदर ये राइज कर देगा इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं, और ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद गाइस अब इसको आप लोगों को लगाना है अच्छी तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फाइनली मेरे पास इमेज में इस तरह से कुछ महाकाल वाले टीका लग चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग भी अपने फ़ोटो में लगा सकते हैं और सारे मैं इस सारे जितने सारे मेरे पास महाकाल वाले टीके हैं इसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग चेकआउट करिए, उसको डाउनलोड करिए। सो आई होप अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी प्रकार का मन में सवाल है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए के पी शांति साइनिंग आउट, नमस्ते।